देवघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोबाइल और मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के बाइक समेत और भी कई सामान बरामद किए हैं। बता दें कि आरोपी मुकेश यादव का आपराधिक इतिहास रहा है। आरोपी के खिलाफ कुंजा थाने में भी मामला दर्ज है। थाना प्रभारी को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि इसके थाना अंदर एक व्यक्ति घूम रहे हैं जो मोटरसाइकिल एवं डिफरेंट मोबाइल चोरी के एक्टिविटीज में रहते हैं। इनके द्वारा सूचना को पुलिस अधीक्षक देवघर को दिया गया, जिसके दिशा निर्देश में SDPO देवघर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें कुंडा थाना प्रभारी एवं उनके PSI संतन कुमार एवं उनके सशस्त्र बल शामिल थे। इनके द्वारा काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत उनके द्वारा बताया गया कि कुंडा थाना क्षेत्र में एक केस लॉज्ड हुआ था 130/2021, उसमें जो मोटरसाइकिल चोरी की गई थी, ये मोटरसाइकिल चोरी इनके द्वारा की गई है। इनके द्वारा पूछताछ के क्रम में स्वीकार किया गया, इसके निशानदेही पर उपरोक्त मोटरसाइकिल को उन्होंने बरामद किया है। आज हम लोग इसको विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय को प्रेषित कर रहे हैं। ये जो रहता था ये कच्चे बनियान में घुमा करते थे, और अगर कोई मोटरसाइकिल इस तरह का मिल गया या मोबाइल मिल गया इसको स्नैच कर लेते थे, और अगर लोग इनको शक की दृष्टि से देखते थे तो पागल की तरह बन जाते थे कि पागल व्यक्ति है, और इस पर कोई विश्वास नहीं करता था। इनका डिफरेंट थाने में इनका क्रिमिनल इंसिडेंट भी है, इनके विरुद्ध FIR भी डिफरेंट थाने में लॉज्ड है। तो गिरोह में अभी ये तो अनुसंधान की विषय वस्तु है कि हम लोग देखेंगे कि इनके साथ और कोई व्यक्ति शामिल थे। तत्काल अभी इसी पर जो है हम लोग अभी हैं, इनके विरुद्ध हम लोग के पर्याप्त साक्ष्य है। आगे अगर हम लोग को कोई साक्ष्य मिलता है अनुसंधान के क्रम में, हम लोग भी उसको मिला है। वही मोटरसाइकिल इसके निशानदेही पर बरामद किए जो जिसमें गुंडा थाना 130/2021 जो लॉज हुआ था उसमें जो मोटरसाइकिल चोरी की बात हुई थी उसमें मोटरसाइकिल को हमने बरामद। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।